आज सुनिए शिक्षाविद और हिंदी की युवा लेखिका मीनू त्रिपाठी जी की कहानी किराएदार किराएदार कहानी उनकी सद्य प्रकाशित पुस्तक आभार तुम्हारा से ली गई है विश्व पुस्तक मेले में प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत कहानी संग्रह आभार तुम्हारा उनका चौथा प्रकाशित कहानी संग्रह है तो शुरू करते हैं कहानी किराएदार जेठ माह की प्रथम पहर अंतिम पायदान की ओर बढ़ रही थी सूर्यदेव प्रचंड रूप धारण कर आंगन की सीध पर नव पर दहकने लगे मजाल थी जो आंगन के अंगार बने पक्के फर्श पर नंगे पाँव धर कर फाटक तक पहुँचा जाए बरसती आग में सूर्यदेव से नजरें चुराते आँखों पर हाथ धरे अनु दो बार फाटक से बाहर झाँक आई पर सूनी सड़क पर कानी चिड़िया तक नजर न आई लाला ने राशन अभी तक नहीं भिजवाया था एकादशी की पूजा का प्रसाद बनाने के लिए देशी घी चीनी आटे का इंतज़ार करती अनु सुबह से तीन बार लाला को फ़ोन कर चुकी थी पर हर बार उसे यही जवाब मिलता अभी ग्राहक ही है फुर्सत मिलते ही भिजवाता हूँ अनु मनी मन खुद को कोस रही थी जो कल शाम वो खुद ही सामान लिए आती तो सही रहता महीने भर का पूरा राशन ना सही पूजा भर का ही सामान ले आती तो कम से कम प्रसाद के लिए मीठे पूड़े बनाकर पूजा निपटाकर चाय वाय तो पीती रोज बैट्टी लेने वाली अनु पूजा विशेष में पूजा पश्चात ही चाय ग्रहण करती है पूजा विशेष में रखे सब्र के बाद चाय पीने का अलग ही मजा है पर आज सब्र बेचैनी में परावर्तित हो गया जब सुबह से लगी चयास और प्यास में मुंह बांधे बैठना पड़ा पूजा हो तो प्रसाद खाकर चाय पानी ले प्रसाद बनाने की सामग्री हो तो बनाए और पूजा करें ऐसा भी नहीं था कि घर में आटा चीनी घी का फाका था।, था तो सही बस वो शुद्ध नहीं था सुभाष को पकाई सफाई की आदत नहीं है खाना खाते हुए घी चीनी के डिब्बे को हाथ धोए बिना पकड़ लेते हैं टोकने पर कहते हैं चम्मच से खा रहा हूँ हाथ में झूठन थोड़ी ही लगी है जो डिब्बा गंदा हो गया तुम्हारी पकाई मेरी समझ में नहीं आती अब उन्हें कौन समझाए पूजा पाठ में पकाई सफाई की अहमियत झूठे हाथों से स्पर्श किए राशन का उपयोग ठाकुर जी के प्रसाद में भला कैसे किया जा सकता है हर महीने आने वाली प्रत्येक शुक्ल पक्ष की एकादशी के लिए वो आटा चीनी घी अलग निकाल कर पूजा के कमरे में रख देती है बस इसी बार पिछले माह आए राशन से ठाकुर जी का हिस्सा निकालना भूल गई आज ठाकुर जी उसी की सजा दे रहे हैं अंशुल स्कूल गया है, नहीं तो उसे दौड़ा थोड़ा सा आटा घी चीनी मंगवा लेती मन चंगा तो कटौती में गंगा वाली कहावत सुभाष के मुंह से तब निकलती है जब वो ज़्यादा पकाई सफाई में झींकती है आज तो लग रहा था कि मन को चंगा करते हुए रसोई से ही राशन निकाल कर गंगा जल के छीटे देने पड़ेंगे सूखे गले में हाथ फेरते हुए मन चंचल तितली सा कभी इस विचार का रस लेता तो कभी उस विचार का आंखें मूंदे वो विचार रही थी कि दुकान में कौन सा सबसे बड़ा शुद्ध रहता है सब मन का फेर है जो आंखों से देख लिया तो ठीक वरना पीठ पीछे कौन जानता है कि कैसे रखते छूते हैं उसे याद आया कैसे एक बार लाला की दुकान में खाना खाते नौकर ने झूठे हाथों से एक ग्राहक को व्रत के मखाने साबूदाना और सीधा नमक पकड़ा दिया वो ग्राहक भी सुभाष की बिरादरी का ही होगा तभी बिना आपत्ति किए सामान लिए चला गया पर वह बोल पड़ी क्या भैया फलाहार झूठे हाथों से दे दिए हमें हाथ धोकर राशन निकाल कर देना अरे बहन जी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे सब नहाए धोए के राशन पानी इस दुकान में पहुँचाए हैं आपकी मर्जी से चले तो हो गई दुकानदारी नौकर अपनी खीसे निपोड़ता कुछ व्यंग से बोला तो सुलग कर कहने लगी आपके लिए दुकानदारी होगी हमारे लिए श्रद्धा धर्म की बात है पूजा का सामान पीछे से कैसे आया है हम क्यों कर जानेंगे और यहाँ आँखों देखी मक्खी क्यों निकलेंगे उस वक्त गद्दी पर झपकियाँ मारता लाला उनकी बहस से उकता कर नौकर को झड़क कर बोला जैसा कहती हैं तू करते फालतू मगजमारी मत कर इस बात का अनु ने पूरा फ़ायदा उठाया और नौकर को निर्देश देने लगी सुनो थैली साफ देना इधर रखो उधर रखो उसके बर्ताव पे लाला का नौकर व्यंग्य से बराबर मुस्कुराता रहा और वो उसे अनदेखा करती रही ऐसा अक्सर होता है अनु को कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर सुभाष अपना तमाशा बनते देख चढ़ जाते हैं क्या हो गया ठीक तो है सब अपनी पकाई सफाई घर तक रखो भाई दुकान में कैसे देते हैं रखते हैं क्या करना है सुभाष की झुंझलाहट याद करते हुए सुभाष की याद आ गई जब से यहाँ से दिल्ली गए हैं मुश्किल हो गई है यहाँ होते तो झट स्कूटर से चले जाते हे ईश्वर अब ये जल्दी अपना कोर्स ख़त्म करके वापस आए तो चैन मिले सुभाष के यहाँ होने मात्र से लगा मानो जीवन में ऑक्सीजन की मात्रा घट गई हो बेचैनी से भरकर वो बैठक से उठकर बाहर बरामदे में आ गई फाटक पर सरसरी नजर डालते हुए नजर बरामदे की दूसरी ओर बने छप्पर की कुंडी पर लटके पाव भर ताले पर विचारों का रुक उधरी मुड़ गया। फ्रीजर से निकली आइस ट्रे की भांति ठंडी सांस निकल गई। पांच बाई सात फिट की रसोई से जुड़े सात बाई दस फिट के कमरे में उनके किराएदार रमेश दंपति रहते थे जाने कौन कीड़ा दिमाग में कुलबुलाया या फिर मती मारी गई जो उसने रमेश दंपति को कमरा खाली करने को उकसाया बहाना तो ज़्यादा बिजली खर्च करने का था पर असल मुद्दा तो तीस वर्षीय रमेश की छब्बीस सत्ताईस वर्षीय पत्नी सुशीला का था जिसके काले कजरारे नैनों की धार में रमेश तो क्या आस पड़ोस के मर्दों के ईमान भी बहे जाते थे उस दिन आंगन में कपड़े फैलाते समय लापरवाही से कंधे पर डला आंचल खिसककर बाजू से होता कलाई पर क्या हटिका उसकी तो सांस ही अटक गई ये नहीं कि वो ढीठ कुछ पल के लिए काम रोककर आँचल यथोचित स्थान पर पहुँचा कर खुला वक्ष ढक ले ताकि मर्द जात की धड़कन रेलगाड़ी की स्पीड में न धड़के अपने काम में लगी बेशर्म ने मजाल था जो इंच भर भी साड़ी ठीक की हो आखिरी कपड़ा तार में डाल कर ही जमीन की धूल फाँकता आँचल कंधे पर डाला और डाला भी इस अदा से कि चाय की चस्कियाँ लेते सुभाष की आह निकल गई पति की आंखों में पर स्त्री की लुनाई भरी मोहक अदाओं के प्रति आसक्ति साफ पड़ी तो झट ऐलान कर दिया सुनो इनको चलता करो अब कोई और किरादार रखें ये बाल बच्चों वाला तुम्हारे टीन पड़े मुर्गी के दड़बे जैसे एक कमरे को लेने कौन आएगा अच्छे भले ये लोग गुजारा कर रहे हैं तुम्हारा भी मन लगा रहता है और रमेश भाई तुम्हारा बाहर का काम करते हैं और क्या चाहिए सुभाष ने अनु को बहुतरा समझाया पर वो ना मानी कभी रात भर बल्ब जला रह गया तो कभी टंकी का पानी खाली हो गया बिजली पानी का मुद्दा तो रोज ही उठता आए दिन की चिक चिक देख अंततः रमेश ने अपनी प्यारी पत्नी के लिए नया आशियाना ढूंढ लिया और उस कमरे में ताला पड़ गया अब जब जब जब, जब जाड़ा गर्मी बरसात में साग सब्जी लाद कर लाती तो वही ताला मुँह चढ़ाता है रमेश जी आज अपने लिए सब्जी लाइएगा तो हमारे लिए भी ले आइएगा अनु के मुंह से निकलता और रमेश जी पूरी फरमाबरदारी के साथ उसके लिए भी साग सब्जी लिए आते तिस पर भी जब तब बिना मंगाए भी कुछ उसके हाथ लग जाती उनके थैले से झांकती हरी हरी पत्तियों को देखकर कर लोभ से कहती अरे वाह पुदीना कहाँ से ले आए हाँ हाँ बस दो दंडी दे दीजिए मैं और अंशुल कितना ही लगेगा अरे लीजिए इसमें क्या है रमेश जी पूरे मनोयोग से गड्डी से उसका हिस्सा अलग करते और इसरार के साथ उसे पकड़ाते सुशीला के माथे की त्योरियाँ नज़रअंदाज़ कर वो झट अपनी रसोई में जाकर चटनी बनाने की तैयारी करती कहाँ तो दुकानदार पाँच रुपए से कम पुदीना नहीं देता है और कहाँ रमेश जी हर दूसरे तीसरे दिन उसको अपने हिस्से के पुदीने से कुछ निकाल कर दे देते थे, थे। मुफ्त का पुदीना धनिया मिर्ची की प्राप्ति में टैक्स उगाही सा सुख मिलता बाज़ार से कभी ब्रेड कभी दूध राशन तक रमेश जी ले आते थे नमक माचिस जैसी छोटी छोटी चीज़ों के पैसे न देकर उन्हें अक्सर ही शर्मिंदा होने से बचा लेती बिजली पानी का बिल भी जमा करवा कर उसकी भाग दौड़ वो बचा लिया करते थे जब से वो गए हैं उसने वो सांस भरी भाभी जी बाज़ार जा रहे हैं कुछ मंगवाना है रेढ़ता हुआ शहद सा मीठा वाक्य सुने अरसा हो गया फ़ोन की बस्ती घंटी से विचारों की डाल पर बैठा मन का पंची सहसा फड़फड़ा कर उड़ा भीतर भाग कर फोन हाथ में लिया कोई किराएदार आया अनु के हेलो के जवाब में सुभाष ने बेदर्दी से प्रश्न दे मारा तो वो तिल मिलाई अरे कहाँ आया है तुम्हारे लिए तो जैसे कोई और मुद्दा ही नहीं है आज एकादशी का उपवास है प्रसाद नहीं बना क्योंकि लाला के भरोसे बैठ गई ग्यारह बजने को हुआ है, अभी तक आटा चीनी नहीं भिजवाया लगता है खुद ही घर से निकलना पड़ेगा एक बूंद पानी मुंह में नहीं गया है कल ही क्यों नहीं राशन ले आई ये सवाल आता उससे पहले ही वो धारा प्रभा बोलती चली गई कल से अंशु के प्रोजेक्ट में लगी थी ये स्कूल वाले ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट देते हैं कि क्या बताऊँ काश कंप्यूटर पर काम करना आता तो कितनी सुविधा होती वर्मा बुक डिपो पर गई थी एक प्रोजेक्ट के तीन से चार सौ लगते हैं लगता है टीचरों की साठ साँटगाठ इन बुक स्टोर वालों से होती होगी अब तुम ही बताओ सातवीं क्लास के बच्चे को रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट दे दिया तुम यहाँ होते तो कम से कम ओहो मैं किराएदार की बात कर रहा हूँ और तुम हो होगी अपना रोना लेकर बैठ गई पति के जल्लाने पर अनु ऐसी मौन हुई कि एक बार की सुभाष को लगा फ़ोन कट गया पर दो तीन बार हेलो हेलो बोलने पर अनु का रूठा हुआ स्वर फूटा हाँ बोलो सुन रही हूँ उसके स्वर के ठंडेपन को भाप सुभाष ने अपने सुर को तनिक नम्र किया पर तलखी वैसी ही बनी रही अरे नाराज हो गई हो क्या तुम परेशान न इसीलिए कहता था ना किराएदार टिकाना हो तो थोड़ा लचीला रुख नरम स्वभाव रखना ही पड़ता है पर नहीं तुमको तो कभी शक्ल में खोय खोट लगता है तो कभी किसी की बेटी बहन या पत्नी चंड नज़र आने लगती है हाँ तो क्या करूँ किसी को भी घर घसीट लाऊँ ट्रेनिंग के नाम पर दो महीने से दिल्ली में मजे से बैठे हो यहाँ मुझसे पूछो रोज़ अखबार में कोई ना कोई वारदात छपी होती है हमारा छोटा बच्चा है मैं भी कोई बूढ़ी बाड़ी तो हूँ नहीं जो किसी की नज़रों में ना हूँ तुम्हें कदर हो ना हो पर मैं जानती हूँ अब अपनी सुंदरता और जवानी के लिए अपने मुँह से क्या कहूँ जवान हूँ कोई चोर उचक्का गुस्सा आया तो बस मलते रहना हाथ गुस्से में फट पड़ी अनु की सांस चढ़ी तब जाकर चुप हुई सुभाष का थका हारा सा स्वर आया ओ तो कुछ पूछना कहना हराम है तुमसे तो क्या बोल रही हो कुछ अंदाज़ा भी है राय इसी बात को पहाड़ बनाकर कर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया बस इतना ही बोला है कि इतनी पूछताछ भी ना करो कि आने वाला भड़क जाए तुम्हारी आदत है कि तुम्हें सबकी नज़रों में खोट नज़र आता है और हाँ यहाँ मैं मौज नहीं काट रहा हूँ खैर अब तुमसे क्या बहस करूँ छः महीने की और बात है आ ही जाऊँगा तब देखेंगे देखते हैं आकर कौन सा तीर मारते हो जुबानी जमा खर्च आसान है अच्छा अच्छा बस भी करो यार हो गया अनु के क्रोध की रेलगाड़ी में सुभाष द्वारा लगाई खुशामदी ट्रोन के ब्रेक बेकार सिद्ध हुए कसम खाती हूँ जब कोई पूछताछ की अब जो किराएदार आएगा उसके स्वागत है तो हाथ जोड़कर खड़ी होंगी और सिर झुकाकर दे दूंगी कमरा कोई ऊंच नीच हुई तो निपटना तुम अरे सुनो तो सुनो तो रिडियाते सुभाष ने फ़ोन पर डोर बेल की आवाज़ सुनी हे ईश्वर लाला ने राशन भेजा हो मारे भूख के आते कंडा हो गई कर्कश स्वर में अनु फ़ोन काटे उससे पहले सुभाष अपने बच्चे कुच्चे सम्मान को समेटने की कोशिश में हारे स्वर में बोला चलो बाद में बात करेंगे अभी कोई फ़ायदा नहीं पर उसकी कोशिश बेकार सिद्ध हुई आधी बात रिसीवर रखने की टू टू में खो गई अनु पर्स उठाए बाहर आई तो देखा लाला दीनदयाल का नौकर राशन लिए तीली से पान खाए दांतों को खोदता हुआ उसका इंतजार कर रहा था क्या भैया सुबह से दोपहरी कर दी कहाँ से कहाँ तुम लोगों की बातों में आ गई कि साढ़े आठ बजे दुकान खुलते ही भेजेंगे बताओ खुद ही ले आते तो सही था अरे अब क्या करें भाभी जी जेब से खैनी की पुड़िया निकाल कर रेढ़ेपन के साथ समस्त ध्यान खैनी पर केंद्रित करते बुजुर्गियत से बोला लाला कहे हैं अब राशन लेने दुकान पर ही आना होगा भैया घर पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम है दो लड़के छुट्टी पर गए हैं दुकान पर ग्राहकी के चलते अच्छा अच्छा ठीक है से अंदर रख दो अनु का बात काटना हड़बड़ी और उपेक्षा उसे भली नहीं लगी इतमान से खैनी हथेली में डालकर उसे रगड़ते हुए बोला अरे अब यो हमरे मान का ना ही है बहुत काम है जल्दी पैसा दो हम जाएं। उसके रेढ़ेपन से अनु का तन मन सुलग उठा झटके से पर्ची हाथ से लेकर वो बटुआ खोलने लगी नौकर पैसे लेकर मुड़ा ही था कि गेट पर उन्नीस बीस साल का एक लड़का उस संकोच भाव के साथ खड़ा दिखा उसे देख कर वो गई क्या है उसने पूछा तो झिझकता अटकता सा बोला कमरा चाहिए यह सुनते अनु के हृदय के तार झंझना उठे चेहरे पर इंद्रधनुषी छटा बिखरी मन का उद्वेग थमा तो बोली जरा ये सामान उठवा दो कौन हम उसने अविश्वास से अनु की ओर देखा जो थैले की ओर इशारा करते हुए खड़ी थी जरूरत पर काम निकलवाने में माहिर अनु भीतर चल दी और वो थैला थामे संकोच से पीछे पीछे चल दिया थैला रखवा कर अनु बोली सुनो एक दो घंटे बाद आना अभी पूजा करनी है बहुत काम है फिर बात करेंगे सुनते ही वो सिर झुकाए बाहर चला गया अनु ने फटाफट मीठे पुएँ बनाकर पूजा करके ठाकुर जी को भोग लगाकर जल्दी से पुए का प्रसाद खाया ऊपर से ढेर सारा पानी पीने से पेट में दर्द का गोला उठ गया इतनी देर तक भूखे रहने के कारण शायद ऐसा हुआ होगा आंखें मूंदे अनु दो मिनट शांति से बैठी आगे से सुबह पाँच बजे उठकर ही पूजा कर लूँगी कम से कम चाय पानी में तो कोई बंदिश ना हो मनी मन संकल्प लेते हुए वो उठी कि फिर कॉल बेल बज उठी बाहर आई तो देखा वही लड़का खड़ा था क्या तब से यहीं खड़े हो ये सुनकर उस लड़के की संकोच भरी नज़रें झुक गईं अनु ने अंदाज़ा लगा लिया कि हो ना हो ये गर्जू है वो पूरे आत्मविश्वास से बोली हाँ बोलो किसे चाहिए वो कुछ संभल कर बोला हमें हाँ हाँ और कौन है तुम्हारे साथ कोई नहीं अकेले हूँ हैं कोई रिश्तेदार तो होगा यहाँ तो नहीं है सुनकर अनु का मन बुझ गया किराएदार आया भी तो कैसा एक मन ने कहा रख लो पर दूसरे ने आगाह किया नाना अकेले लड़के को रखना सही नहीं है कोई रिश्तेदार भी आगे पीछे नहीं है जो सी गारंटी ले ले सोच विचार में पड़ी अनु कुछ देर पहले पति के साथ हुई बगझक याद करके झुंझलाई कोई बाल बच्चे वाला होता तो दे देती तुम्हें कैसे दूँ हम अच्छे से रहेंगे सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक बाहर रहेंगे वो सब तो ठीक है पर तुम्हारे आगे पीछे कौन है जो गारंटी ले वैसे हो कहाँ के जाति धर्म क्या है नाम क्या है जी मोहन पूछे गए तीन प्रश्नों में से अंतिम प्रश्न का उत्तर त्वरित था प्रश्न उत्तर फिर आरंभ हुए किस जाति के हो क्षत्रिय मांस मच्छी तो नहीं खाते बिल्कुल नहीं वो गले पर हाथ लगाते हुए बोला कहाँ से आए हो जी यहीं पास का ही हूँ रामपुर क्या नाम बताया अनु ने सिकड़ी आंखें उस पर टिकाई तो वो कुछ हक पकास आ गया फिर संभल कर बोला अभी तो बताया था मोहन मोहन नाम है हमारा अनु उसी घबराहट देखकर अपनी मुस्कान छिपाते हुए बोली तुम क्षत्रिय हो तो नाम भी घर वालों को वैसा रखना चाहिए मान सिंह भानुप्रता वीरभद्र टाइप कहते कहते उसकी हंसी निकल गई पर उसके गंभीर चेहरे को देख कर उसने हंसी दबा गंभीरता से कहा तुम अकेले को तो घर देना मुश्किल है सुनते हुए रेड़िया मैं बहुत अच्छे से रहूँगा साफ़ सफाई करूँगा आप कहेंगी तो बाज़ार से सारा सामान भी ला दूँगा उसका अंतिम वाक्य अचूक निशाने पर जा गर्मी के दिनों में बाज़ार से सामान लाना बरसात में बिजली के खंभे पर चढ़ने जैसा डरावना काम था वैसे भी सुबह गैर मौजूदगी में बिजली पानी फ़ोन का बिल जमा करना साग सब्जी दूध राशन लाने वाला कोई तो हो अनु के दिमाग की बत्ती भक्से चली लड़का है तो छोटे मोटे काम करने में भी कोई ना नुकुर करने की गुंजाइश नहीं है बड़ी उम्र का कोई घाघ मिल गया तो नाप तोल कर हर काम का हिसाब लगाएगा वो आशा भरी आंखें उस पर टिकाए था अनु को रमेश की बीवी की याद आई जब भी अनु कुछ काम बताती थी तो जी भाभी जी कहने वाले रमेश को खा जाने वाली नजरों से देख चेहरे पर ऐसी बेचैनी भरे भाव लाती मानो उसके पति को एवरेस्ट चढ़ने को कह दिया हो वकीलनी बनकर यदाकथा बोल भी देती आज उन्होंने ऑफिस में काम के बोझ के चलते खाना नहीं खाया या फिर बहुत काम का लोड लेते हैं ये असल में ना इनसे कहते नहीं बनता और दुखियारे मुखमंडल पर पति के प्रति व्यक्त अथाह चिंता को दर्शाते और जैसे चुनिंदा वाक्य जानबूझकर अधूरे ही कल्पना शक्ति पर छोड़ दिए जाते तो कहिए दीदी देंगी नगर उसकी आशापूर्ण चिंतित आंखें और बोले गए वाक्य में वो एक शब्द दीदी ने अनु के मन का कोना छू लिया गौर गौरवर्णीय उच्च कुल का प्रतीत होने वाला वह लड़का दैनीय मुद्रा में खड़ा था भोले भाले लड़के की आंखों में जाने क्या था कि उसे टरकाते नहीं बना देखो मुश्किल तो है अच्छा रुको दो मिनट बताती हूँ कहते हुए वो भीतर गई सुभाष को फ़ोन लगाकर सिलसिलेवार ब्यौरा दिया तो जैसा ठीक लगे कहकर सुभाष ने गेंद धीरे से अनु के पाले में सरका दी अनिर्णय की मुद्रा में वो बाहर आई तो वो यूं चिंतातुर दिखा मानो परीक्षा फल की उद्घोषणा होने वाली हो आधार कार्ड वगैरह लाए हो अनु के पूछने पर निराशा भरे स्वर में बोला नहीं है क्यों बनवाया नहीं अरे आजकल आधार कार्ड तो जरूरी है बनवाने जाऊंगा देखो पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी होता है अनु अति आत्मविश्वास से बोली तो उस लड़के ने चेतते हुए कुछ नाराजगी से कहा रहने दीजिए हम चोर चक्के थोड़े हैं जो पुलिस वेरिफिकेशन कराइएगा वो चलने का उपक्रम करने लगा तो अनु ने टोका अरे रुको जमाना बहुत ख़राब है समझा करो सेफ्टी के लिए सब करना पड़ता है खैर तुम करते क्या हो इस प्रश्न पर उस सावधानी से बोला यहाँ एक कोचिंग सेंटर की कैंटीन में काम मिला है क्या काम सुनकर वो अटपटा कर बोला रिसेप्शन में है कंप्यूटर पर बिल वगैरह बनाने का काम और क्या कंप्यूटर आता है चलाना बहुत अच्छे से उसके उत्साह पर अनु जग भर पानी डालती बोली देखो एक महीने रख कर देखेंगे अगर ठीक लगा तो रहने देंगे वरना बिना हील हुज्जत किए निकल जाना मेरा भाई पुलिस डिपार्टमेंट में है अनु के बोलने पर उसकी आंखों में बह दिखा पर अनु उसे जाने का कोई मौका भी नहीं देना चाहती थी इसलिए बोली धमका नहीं रही और हाँ किराया एडवांस चाहिए जब कोई सामान बाज़ार से मंगवाऊँ तो लेके आना मेरे बेटे के साथ यहीं घर पर आधे घंटे बैडमिंटन खेल लेना रात देर तक लाइट मत जलाना और हाँ घर पर किसी को नहीं बुलाना और जैसा कि तुमने बताया कि कंप्यूटर एक्सपर्ट हो तो ज़रा आधा पौन घंटा मुझे भी इसकी ट्रेनिंग देना और जब तक मैं कंप्यूटर चलाने में पूरी तरह पारंगत नहीं हो जाती तब तक तुम इसके प्रोजेक्ट और स्कूल के काम संभालना मतलब प्रोजेक्ट बनवाने में मदद कर दिया करना वो लड़का सशर्त सहमति में धीमे धीमे निरंतर से हिलाता दिखा निर्देश प्राप्ति के एक घंटे के भीतर ही उसे सामान लिए आते देख अनु को अफसोस हुआ कि वो उसे गर्जूपन को किराए में बढ़ोतरी करवा कर भुनवा सकती थी कोई नहीं बच्चू मैं वसूल लूँगी मन ही मन स्वयं को आश्वस्त करते हुए वो उसे बचे खुचे नियम निर्देश देती रही रात देर किराएदार के कमरे की लाइट जली देख अनु सोने से पहले उसके कमरे में गई अनु को देख वो हड़बड़ा गया उसे यूँ हड़बड़ाता देख अनु भी हचकचा गई उसे भी महसूस हुआ कि कमरे का किराया वसूलने के बाद उसे कोई हक नहीं बनता था कि वो उसकी निजता पर अतिक्रमण करे बिस्तर ज़मीन पर लगा देख वो कहने लगी नीचे सोओगे क्या कोई चारपाई नहीं है दीदी नीचे आराम है दीदी शब्द एक बार फिर मन में चीनी की तरह घुला तो बोल पड़ी सुनो किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना लगता है पढ़ने का बहुत शौक़ है अनु ने धीमे से धुंधेड़ी के नीचे सांप भी रगा दिया कभी कभी मेरे बेटे को भी पढ़ा दिया करो सुनकर बिखरी किताबों को समेटते उसने हाँ में सिर हिलाया फिर बोली कितना पढ़े हो प्लस टू कहते हुए वो कुछ बेचैनी से जल्दी जल्दी बिखरी किताबें समेटने लगा उसकी कम बोलने की आदत देख अनु संतुष्टि के साथ उठ गई अंशुल किरादार के, के आने से बहुत खुश था स्कूल सुबह जाते जाते उसने अपने नए साथी के कमरे की ओर कई बार देखा पर वो शायद अभी जगह नहीं था सुबह देर से उठकर वो काम पर निकल गया शाम को पाँच बजे थका, थका थका घर में घुसा तो बरामदे में अंशुल को बैडमिंटन लिए खड़ा देकर मुस्कुरा दिया उसके साथ एक घंटे खेल कर अपने कमरे में जाने से पहले उसने पूछा दीदी कुछ मंगवाना है क्या अनु ने उसे ब्रेड और सब्जी लाने को कहा आते आते उसे पौने नौ बज गए अनु ने देर से आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो रास्ते में खाना खाते हुए आया है धीरे धीरे एक सप्ताह होने को आया अनु ने नोटिस किया कि अक्सर देर रात तक उसके कमरे की बिजली ऑन रहती है तुम रात देर तक बिजली क्यों जलाते हो जल्दी क्यों नहीं सो जाते अपने प्रश्न का अनु को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो वो बोली पहले वाले किराएदार बिजली का भाड़ा अलग से देते थे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी ये बोल रहे थे कि पंद्रह सौ रुपये बहुत कम हैं दो हज़ार होने चाहिए ये सुनते ही उसने हां में सिर हिला दिया सुभाष के नाम पर पाँच सौ रुपये बढ़वा लेने पर अनु ने खुद की पीठ ठों कुछ ही दिनों में अनु इसकी कुछ आदतों की जानकारी हुई जैसे वो बाएं हाथ से काम करता है दिमाग का तेज है दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है इसकी खबर उसे रहती है वो पढ़ता बहुत है उसकी विज्ञान में रुचि है अंशुल को कोडिंग सिखाता है छोटा सा लैपटॉप जिसे वो नोटबुक कहता है अक्सर उसमें उसे सिर झुकाए देखा जा सकता है ज़्यादा बात करने से बचता है हाँ हूँ में जवाब निपटाता है किसी से मेल जोल नहीं रखता घर में कोई आता है तो उसके सामने पड़ने से बचता है खाना बाहर ही खाता है कभी कभी वो बेचैनी के साथ अचानक अपने कमरे में ज़रूरी काम है कहकर चला जाता है दरवाज़ा भीतर से बंद कर लेता है फिर आप ही कुछ समय बाद बाहर निकल कर सबसे सामान्य व्यवहार करता है कई बार इसके लिए अनु ने उसे टोका भी पर उसने कोई वाजिब जवाब नहीं दिया अंशुल को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है उसे वो किसी बात के लिए मना नहीं करता बैडमिंटन तो खेलता ही है होमवर्क प्रोजेक्ट आदि में भी मदद करता है पिछले हफ्ते फैंसी ड्रेस शो में अंशुल डॉक्टर बना था तब उसने जूते के डिब्बे से फर्स्ट क्लास एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाकर उसे दिया वो तमीज़दार भी है अनु को बागबानी करते देखो उसकी मदद कर देता है जब अनु सूर्य को अर्ध देती या तुलसी बंदिया लगाती है तब वो उसे गौर से देखता है ऐसे पलों में अक्सर अनु उसकी वासना रिक्त आंखों से वशीभूत ममता लुटाते हुए चाय नाश्ता दे देती है बस एक बात उसे खलती है कि वो अपने कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद रखता है मोबाइल पर धीमे धीमे बात करता है किसी के सामने मोबाइल पर कोई बात ना करनी पड़े ऐसा प्रयास करता है घर पर मेहमान या पड़ोसी आ जाएं तो उनकी नज़रों से बचते हुए सिर झुकाए बाहर निकल जाता है या अपने कमरे में कैद हो जाता है छः महीने बीत गए थे अनु अब उसमें बदलाव महसूस करने लगी थी वो कोई काम बताती तो चिड़ उलझन से भरे भाव अपने चेहरे पर ले आता अब उसे काम से वापस आकर बाहर निकलना अंशुल के साथ खेलना भी अखड़ने लगा था उसके कमरे की बत्ती अब ज़्यादा देर तक जली रहने लगी थी सुबह उसकी लाल लाल आँखें देख अजीब लगता एक दिन वो काम पर नहीं गया तो अनु ने उसके दरवाजे की कुंडी खटखटाई बड़ी देर बाद दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बोला कोई काम है क्या दीदी मैं अभी पूजा कर रहा हूँ अनु लगभग ज़बरदस्ती भीतर आई फिर इधर उधर देखते हुए बोली तुमने भगवान कहाँ रखे हैं उसकी बात पर संभल कर कहने लगा ध्यान लगाने के लिए भगवान की मूर्ति जरूरी नहीं बस ऐसे ही ध्यान लगा लेता हूँ अनु उसे गौर से देखने लगी तो अचकचा कर बोला इस नोट पैड में भगवान की तस्वीर है उसे देख कर पूजा कर लेता हूँ किस भगवान को मानते हो सबको निसंदेह उसे टाल रहा था उसे आभास होने लगा कि ये लड़का जैसा दिखता है वैसा है नहीं जो दिखाता है वो सत्य नहीं जो नहीं है उसे दिखाने का प्रयास अनु की उलझने बढ़ा गया मोहन बदल रहा था या फिर कोई और बात थी रविवार को वो अब अक्सर गायब रहने लगा था सुबह का गया शाम कभी रात को वापस आता एक दिन अनु का उपवास था उसने मोहन को बुलाया सुनो मेरे लिए केले ला दो और हाँ ये कुछ दान निकाला है मंदिर में देाना कौन मैं वो चौंका फिर बड़े बुझे मन से बोला तबीयत ठीक नहीं है आप किसी और को भेज दीजिए उसके जवाब से अनु को बड़ा क्रोध आया वो दान का सामान लेकर चली गई लौट कर आई तो देखा कि वो अंशुल के लिए प्रोजेक्ट बना रहा था उसने व्यंग किया तबीयत ठीक हो गई जी सिर दर्द था अभी ठीक है अनु उसे खड़ी खड़ी सुनाना चाहती थी पर वो चुप रही वैसे भी अंशुल का प्रोजेक्ट बनाने से आसान था मंदिर में दान देने पैदल जाना और अपने उपवास के लिए फल लाना वो चुपचाप बैठी प्रोजेक्ट को देखती रही क्ले का ज्वालामुखी बनाया था उस पर बेकिंग पाउडर डाला गया तो झाग निकला अंशुल बहुत खुश हुआ मोहन अंशुल को समझा रहा था ये एसिड बेस्ड रिएक्शन है और दूसरे दिन अंशुल प्रोजेक्ट में दस में से दस नंबर लाया तो अनु को महसूस हुआ कि अच्छा ही हुआ उसे कुछ नहीं कहा जरा सी नाराज़गी के चलते अच्छे खासे किराएदार से खुद को मरहूम कर लेती मन ही मन वो इस सत्य को मानती थी कि इस नए किराएदार के होने से उसे बहुत सुविधा हो गई थी ये अलग बात है कि मोहन ने उस दिन उसे टाल दिया पर हो सकता है कि उसके सिर में वाकई दर्द हो वरना भरसक को वो मना नहीं करता है और उसी की वजह से वो अब कंप्यूटर चलाना सीख गई है अंशुल छमाई से लेकर अब तक न जाने कितने प्रोजेक्ट अपने मोहन भैया के साथ कंप्यूटर में गूगल पर सर्च करके बनवाए हैं गणित और विज्ञान तो में पकड़ अच्छी हो गई है तो उसी की वजह से देखते ही देखते कब छः सात महीने बीते पता ही नहीं चला सुभाष भी बरेली आने वाले थे ये अनु के लिए राहत की बात थी फिर एक दिन मम्मी देखो मोहन भैया ने क्या बनाया है अनु अंशुल की आवाज़ पर चौंकी तो देखा उसके हाथ में एक अजीब सी एक हवाई जहाज नुमा चीज़ थी मोहन उसे संभाल कर पकड़ने को कह रहा था ये क्या है अनु ने हैरानी से पूछा तो मुस्कुरा कर बोला बस ऐसे ही खाली समय में बना लिया है मम्मी से ड्रोन कहते हैं हैं अनु की हैरानी पर अंशुल हंसते हुए कहने लगा भैया बता रहे थे कि इससे हम कहीं पर भी सामान भेज सकते हैं अमेरिका में इसी ड्रोन की मदद से बम प्लास्ट भी किया गया था अंशुल के बोलने पर मोहन का चेहरा स्याह हो गया वो झपट कर लाओ इधर दो कहते हुए ड्रोन लेकर सीधा अपने कमरे में चला गया अनु को उसका व्यवहार अजीब लगा अंशुल कुछ दिन पूर्व अमेरिका में हुए एक आतंकवादी घटना को पूरे ब्यौरे के साथ सुनाने लगा अनु को भी स्मरण हुआ कुछ दिन पहले टीवी पर दिखलाई जाने वाली घटना इस प्रसंग के बाद मोहन अंशुल को अपने कमरे में कम ही आने देता था यदि अंशुल पढ़ने के लिए आता तो वो रुको कहकर तीन चार मिनट अपने कमरे की व्यवस्था को ठीक करता फिर उसे बुलाता एक दिन अंशुल ने अनु से कहा पता है मम्मी मोहन भैया की साइंस बड़ी धांसू है उनको सब पता है कह रहे थे पटाखे घर पर भी बनाए जा सकते हैं ये सुनकर सहसा अनु का पारा चढ़ गया वो धमकाती हुई मोहन के कमरे में आकर बोली क्यों जी तुम ये सब क्या उल जरूर बच्चे को सिखाते हो ये सुनकर वो हड़बड़ाते हुए फर्श पर बिखरे तार और पाउडर जैसी चीज़ों को अखबार से ढकने लगा उसकी हड़बड़ाहट और हाव भाव विचित्र थे चेहरे पर क्रोध के भाव थे पल भर को सहम सी गई फिर अकड़ कर उसे घूरती हुई बोली क्या कर रहे थे क्या करेंगे बस ऐसे ही समय पास कर रहे थे उसने रूखे स्वर में गोल मोल जवाब दिया फिर सहसा बोला दीदी आप बहुत प्रश्न पूछती हैं ऐसा रहा तो हाँ तो अनु ने पूछा उसे कोई जवाब नहीं सूझा तो कहने लगा किसी काम से आई थी क्या सहसा अनु को याद आया वो जल्दी से बोली सुनो कल अंशुल के पापा आ रहे हैं जरा बाज़ार से दो लीटर दूध तो ले आओ अनु के इस आदेश पर वो खींच के साथ चप्पल डालकर बोला जा रहा हूँ पर लाइब्रेरी होता हुआ आऊँगा देर हो जाएगी अनु उसके रूखे जवाब पर चुप रही वो करीब तीन घंटे बाद आया कुछ थका सा हाथ में दही का डिब्बा देख अनु के दिमाग का दही बन गया उसने उसे कसकर डांट लगाई क्यों रे मोहन आजकल तेरा ध्यान कहाँ रहता है दूध मंगाया था और दही लेकर आया है दीदी कल वापस कर दूँगा आज बहुत थक गया हूँ कहकर वो परेशान सा अपने कमरे में चला गया हाय हाय कैसा बदतमीज़ हो गया है अनु बुदबुदाई उसके तन बदन में आग लग गई थी तुरंत दही का पैकेट लिए वो भागी गई तो दुकान वाले ने एक कार्ड उसकी ओर बढ़ाया भाभी जी आपके घर से जो दूध लेने आते हैं वो अपना कार्ड यहीं भूल गए हैं एक सरसरी नज़र कार्ड पर डाली मोहन की फोटो राजकीय पुस्तकालय के कार्ड में लगी हुई थी उसने चुपचाप कार्ड पर्स में डाल लिया वो घर पहुंची तो कुछ घबराया सा बोला दीदी आप कहाँ चली गई थी लाइए मैं दही वापस कराता हूँ रहने दो हर काम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता मैं कराई वापस अनु ने चढ़ कहा और बिना उसकी ओर देखे भीतर चली गई वो फिर भी बाहर निकला और सीधे दूध वाले के बूध की ओर भाग कर पहुँचा और घबराहट भरे स्वर में पूछा भैया मेरा कोई कार्ड तो नहीं रह गया था उसकी बेचैनी देखकर कर दूध वाले ने कहा हाँ रह गया था अरे अभी अभी तो भाभी जी को दे दिया है ये सुनकर वो सा वापस आया और अनु से कहने लगा दीदी दूध वाले भैया ने आपको कार्ड दिया होगा दे दीजिए अनु पहले चिढ़ी बैठी थी सो बेरुखी से बोली बाद में लेना भी बहुत काम है उसे सिर झुकाए वहीं खड़े देख कर झिड़क कर बोली अब यहीं सिर पर खड़े रहोगे क्या जब समय मिलेगा दे जाऊँगी वो सिर झुकाए चुपचाप अपने कमरे में चला गया देर रात सुभाष घर आए अंशुर अपने पापा को देख बहुत खुश था रात का भोजन दावत में परिवर्तित था खीर खाते हुए उसे मोहन की याद आई तो बातों बातों में वो नए किराएदार की लापरवाही गिराने लगी सुभाष बोले कल सुबह मिलूंगा तो समझाऊंगा और तुम भी उसे बात बात पर टोको मत खुद ही बता रही थी कि अंशुल की ग्रेडिंग अच्छी हो गई है गणित और विज्ञान ही मुख्य विषय होते हैं अगर वो खुशी खुशी ये पढ़ा देता है तो ये बड़ी बात है मानो लड़का है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता कोई बड़ी उम्र का होता तो नियम कायदे के हिसाब से ट्यूशन की फ़ीस किराए से काट लेता बात सही थी जरा जरा सी बात पर लड़कों से उलझना ठीक नहीं था किशोरावस्था की उम्र संवेदनशील होती है जानने के बावजूद अनु स्वभाव के चलते मजबूर थी दूसरे दिन रविवार था सब देर से सोकर उठे नाश्ता पानी करने के बाद सुभाष ने मोहन के कमरे का रुख किया तो देखा उसके कमरे में ताला जड़ा था अनु ने बताया कि वो हर इतवार सुबह दस बजे कहीं बाहर जाता है चार बजे तक वापस आता है उस दिन शाम से रात हो गई सुबह का निकला मोहन रात भर नहीं आया तो अनु को चिंता हुई दूसरे दिन सुबह सुभाष दूध लेकर आए तो आते ही आवेश में बोले अनु बूथ वाले ने तुम्हें मोहन का कोई कार्ड दिया था क्या अरे हाँ मुझसे कल मांगने आया था मैं तो भूल ही गई पर क्या हुआ जरा मुझे दिखाओ सुभाष की उद्विग्नता देख अनु का दिल बैठा जा रहा था उसने अलमारी में रखे पर्स से कार्ड निकाला तो सुभाष ने कार्ड लगभग झपट लिया कार्ड को देखने के बाद वो अनु को गुस्से में घूरते हुए बोले क्या नाम बताया था किराएदार का मोहन क्यों तुमने जिसे घर में रखा है उसके बारे में छानबीन करवाई थी या नहीं छानबीन माने बताया तो था सब क्यों क्या हुआ सब ठीक तो है ना यह सुनकर आवेग में सुभाष उसका कार्ड अनु के सामने लहरा कर उत्तेजना के साथ बोले तुम्हारा मोहन कमरा छोड़कर चला गया है बूथ वाले ने चिट्ठी दी है अनु ने झपट कर पर्चा खींचा दो पंक्तियों में लिखा था माफ करना जल्दी में जा रहा हूँ अब तक आपको सच पता चल गया होगा आप लोग मुझ पर अपना गुस्सा निकालें उससे पहले मेरा जाना वाजिब होगा मेरा कार्ड राजकीय लाइब्रेरी में जमा कर दीजिएगा वहाँ पता आपके घर का लिखवाया है अनु को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया उसे असमंजस में घिरा देख कर सुभाष चीखे तुमने लाइब्रेरी कार्ड देखा नहीं था क्या सुभाष को क्रोधपूर्वक लाल आंखें किए अपनी ओर घूरते देख अनु ने कार्ड उठाया तो उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया घूम गई सुभाष पकड़ना लेते तो चक्कर खाकर वहीं गिर जाती हे भगवान फोटो मोहन की और नाम मोहसिन तो क्या वो मुसलमान अनु का स्वर थर्राया आंखें विस्मय से बाहर निकल आईं अंशुल मम्मी को अस्फुट स्वर में बोलते देख घबरा गया सुभाष के केटाते हुए बोले जी हाँ वो मुसलमान ही है हे भगवान वो मुसलमान था अनु को विस्वारित आवाज़ में चीखते देख सुभाष ने टपटा चुप रहो अभी क्या अपनी बेवकूफ़ी के किस्से को सारी दुनिया को बतलाओगी अनु सिर पकड़ कर बैठी ही थी और सुभाष फ़ोन मिलाने लगे बेहाल अनु पिछले दिनों का लेखा जोखा गिना रही थी हे ईश्वर ये क्या किया मैंने उस दिन पूजा के लिए पानी उसी से भरवाया था उस दिन ही क्यों रोज़ वही तो पानी भरता था रात को बारह बजे आने वाली पानी को भरने की जिम्मेदारी मोहन को सौंपी थी तुम रात देर तक जागते हो बाल्टी खंगाल कर पानी भर दिया करो अनु के कहने पर हमेशा की तरह उसने सिर ला दिया था उसी भरी बाल्टी से वो पूजा के लिए पानी लेती थी अनु का प्रलाप जारी था मेरे व्रत में फल दूध से वही लाता था उस दिन हाथ जल गया था तो रसोई में जाकर उसने चाय भी बनाई थी हाय हाय मति भ्रष्ट हो गई थी मेरी छी छी सारा धर्म भ्रष्ट हो गया दुख अवसाद से अनु का चेहरा विचित्र हो गया था उसकी दशा देख अंशुल घबरा गया क्या हुआ पापा क्या हुआ क्या किया मोहन भैया ने अब तुम लोग जरा चुप रहो ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए मैंने अवधेश को बुलाया है देखते हैं क्या कहता है अवधेश के आते ही माहौल में उन्माद सा छा गया था कमरे में गुपचुप बातें होती रहीं अवधेश का मेरा भाई था हाल ही में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर आया था दीदी तुम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो बिना किसी का पहचान पत्र के उसे रख लिया अच्छा बताओ उसका चाल चलन कैसा था अरे भैया अब क्या कहूँ चाल चलन और व्यवहार तो बढ़िया ही था वो अपने हाथों की मुट्ठियों को माथे पर हौले हौले मारते हुए अपने माथे को सिकोड़ते फैलाते हुए बोला ये लोग अक्सर अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखते हैं अनु को याद आया कि कैसे उस दिन ज्वालामुखी प्रोजेक्ट बनाया था ऐसे डिरेक्शन के पार्ट को कितनी बखूबी समझाता था और तो और रेडियो खराब हो या इन्वर्टर की बैटरी सब तारों को जोड़ जाड़ कर जुगाड़ कर देता था सामान्य नहीं था विलक्षण गुड़ थे उसके मोहसिन ने झूठा नाम क्यों बताया दीदी उसे ढूंढ कर लात से मार कर सब उगलवा सकते हैं पर क्या है बदनामी होगी पुलिस का झंझट होगा और बेवजह बात बढ़ेगी कौन जाने आतंकवादी या कोई दहशतगर्द हो जब तक सब छिपा रहे बात दबी ढकी रहे ठीक है हाँ मेरे हिसाब से यही ठीक है अकेला था इसलिए जाने को बोल दिया यही बताएंगे जो किसी ने पूछा अनु डर से काँप रही थी पहले कमरे की तलाशी लेते हैं कोई अवैध सामान होगा तब सोचते हैं क्या किया जाए अवधेश के कहने पर सब कमरे की ओर दौड़े ताला तोड़ने की नौबत नहीं आई चाबी दरवाजे की चौखट पर बिछे पायदान के नीचे रखी थी कमरे में कोई सामान नहीं था फिर भी उसे झुरझुरी सी हो रही थी मोहन के मोहसिन में तब्दील होने से ऐसे लग रहा था जैसे कोई सुंदर सी गुड़िया जाडू टोने के प्रभाव से खतरनाक हो जाती है और फिर सबका अनिष्ट करने के लिए चालें चलती है कुछ वैसी दहशत मन में उठने से रह रह कर उस सिर जाती थी जीजा जी गड़बड़ तो है सोचता हूँ पुलिस को खबर कर ही दूँ नहीं तो फर्जी नाम से रहने का केस तो बनता ही है ढूंढ निकालेंगे साले को पुलिसिया डंडे पड़ेंगे तो सही हो जाएगा छोड़ो अब देश फर्जीयत और जगहसाई होगी सो अलग हाँ भैया आप छोड़ दो इस किस्से को ये कार्ड राज की लाइब्रेरी में दे आते हैं अनु के कहने के साथ ही बात वहीं दबा दी गई उसके बाद जब भी अखबार में कोई दहशत भरी खबर आती तो ध्यान से दो तो तीन बार देखती कहीं मोहसिन नाम हो तो कान खड़े हो जाते दो महीने यूं ही बीत गए थे इस किस्से के बाद बाहर वाले कमरे में ताला जड़ा रहा कोई किराएदार आता तो अनु पूरी ताकत से चिल्लाकर नहीं कहती फिर एक दिन अंशुल भागता हुआ आया मम्मी मम्मी देखो मोहन भैया की फ़ोटो वो अखबार पकड़े खड़ा था दिल धक धक कर धड़क उठा अखबार हाथ में लिया तो हाथ काँप उठे सरसरी नज़रों से खबर पर नज़र डाली तो शरीर चेहरन से काँप गया और वो वहीं बैठ गई अनु बार बार खबर पढ़ती और अपनी मुट्ठी के दुहत्तर माथे पर मारती जाती अंशुल अपनी माँ की हालत देख अपने पापा को बुलाने चला गया सुभाष अनु के बहते आंसुओं को देख घबरा गए क्या हुआ कुछ बोलो अंशुल क्या कह रहा है मोहसिन की तस्वीर छपी है बात के जवाब में शून्य ताकती हुई अनु ने उसकी ओर अखबार बढ़ा दिया अंशुल उत्तेजना में फ़ोटो की ओर इशारा कर रहा था कह रहा था ये देखो पापा मोहन मतलब मोहसिन कौन ये सुभाष ने दो बार पूछा कौन ये यह है क्या ठगासा सुभाष एक प्रौढ़ महिला के हाथों लड्डू खाते शैतान की मुस्कुराती फोटो को देख खबर पर नज़र डाल रहा था बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था रामपुर जिले का होनहार मोहसिन मोहसिन की प्रतिभा को देखते हुए इसरो ने रिसर्च ग्रांट प्रदान की है जिसने आर्थिक विपन्नता को झेलते हुए अपनी प्रतिभा और लगन से जिले एवं देश का नाम रोशन किया मोहसिन की इनसाइड स्टोरी के साथ उसकी फ़ोटो छपी थी अपनी अम्मी जान के हाथों से लड्डू खाते हुए उसकी फ़ोटो को दोनों ठगे से देख रहे थे क्या हुआ मम्मी ये मोहन भैया ही हैं ना देखो इनकी मम्मी और पापा क्या मोहन भैया ही मोहसिन हैं इन्होंने क्या बनाया है मम्मी क्या ये भी वैज्ञानिक कहलाएंगे वाह मैं भी इनके जैसा बनूँगा मुँह से निकले वाक्य के साथ अंशुल ने अपनी खोपड़ी झटके से पीछे करते हुए भयाक्रांत तो अपने गाल पर हाथ रख लिया मोहन और मोहसिन के चक्कर में वो विगत में खाए अनु के उस जोरदार चाटे को भूल गया जो मोहन बनाम मोहसिन के घर छोड़ने के बाद उसे तब पड़ा था जब उसके मुंह से निकला था कि मैं भी मोहन भैया जैसा बनूंगा और ड्रोन चलाऊंगा। बाप रे अनु का क्रोध झन्नाटेदार चाटे समेत बरस गया गाल पर छपा चाटा याद आते ही उसने धीमे से गाल छुआ अंशुल को हाथ गाल पर लगाए देख अनु को भी वो किस्सा याद आ गया उसने झट से अंशुल को सीनियर से लगा कर कहा मुझे माफ़ कर दे बहुत ज़ोर से लगा था क्या यह सुनकर हैरत से अपनी मम्मी को देखने लगा अनु एक बार फिर इनसाइड स्टोरी देखने लगी इनसाइड स्टोरी में मोहसिन ने कबूला था कि उसकी सफलता की डगर आसान नहीं थी रामपुर से बरेली वो काम की तलाश में गया था कोचिंग की कैंटीन में काम करते हुए अध्यापकों से उसका संपर्क बढ़ा अनौपचारिक छात्र के रूप में वो उनसे औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने लगा बिल बनाते हुए उसने पैसे कमाए और कमाए पैसों का उपयोग वो प्रोजेक्ट बनाने में करने लगा कुछ नया ईजाद करना उसका नशा था इसी नशे के चलते उसकी आंखें लाल होती थीं हर इतवार वो प्रोजेक्ट के पार्ट्स खरीद कर लाता और अपने प्रोजेक्ट्स को सफल करने के लिए इधर उधर की धूल फाँकता था चोरी चोरी प्रोजेक्ट बनाना उसका जुनून था इस दौरान उसे एक हिंदू घर में हिंदू बनकर रहना पड़ा पोल खुल जाने की आशंका से उसे वहाँ से भागना पड़ा अखबार में छपी तस्वीर ने नज़रिया बदल दिया था इनसाइड स्टोरी के माध्यम से गुत्थियाँ खुलती गईं अनु के सामने स्थिति साफ हो गई थी प्रतिभावान बच्चे ने अपने दिमाग और ख़ूबियों को कुछ अच्छा गढ़ने में इस्तेमाल किया कोचिंग के शिक्षकों की मदद से उसकी खोज और निर्माण ने इसरो तक की यात्रा की आवाज़ के कारण उसने झूठ बोला कोचिंग जहाँ था वहाँ की हिंदू बस्ती में उसे स्थान मिलना दुष्कर था सो झूठ बोलना उसकी व्यवस्था थी इसमें कोई दो राय नहीं थी कि झूठ बोलकर घर हासिल करने के कारण उस लड़के के मन में चोर तो था ही बूथ वाले ने जब उसे बताया होगा कि उसका कार्ड हमारे हवाले कर दिया गया है तो भय से कांप उठा सच्चाई सामने आने के भय से वो कमरा छोड़कर चंपत हुआ होगा अनु की आंखों में आंसू आ गए भरे गले से वो बोली देश के लिए कुछ करने की चाह में कोई झूठ का सहारा ले तो इसमें देश की हार है ना क्या किया जाए अनु चंद उत्सित मानसिकता वाले आतताइयों के चलते सुयोग पात्र संदेह के घेरे में आए हमारे आपसी संबंध आशंका और संकोच के दायरे में रहें आशंका के बादल घिरकर मन मुटाव के गर्जन और आरोप प्रत्यारोपों की वर्षा करें ये विडंबना तो है ही दोनों मौन हो गए मन के साथ वातावरण भी बोझिल हो गया क्या हुआ अंशुल ने आशंकित मन से पूछा तो अनु बोली कुछ नहीं रे बस यही सोच रही हूँ कि मोहसिन मोहन बनकर घर क्यों आया और यह भी कि मोहन मोहसिन हो गया तो सबसे छिप छिपा कर घर क्यों छोड़ गया सुभाष ने अनु की बात पकड़ी तो अंशुल भोलेपन से बोला मोहन भैया से मोहसिन बनकर वो क्यों गंदे हो गए छोड़ना वो सब अब तो तू बिल्कुल इनके जैसा बनना अनु अखबार में छपी मोहसिन की मुंह में लड्डू भरी फोटो पर उंगली रखकर बोली तो अंशुल विस्मय से बड़ी बड़ी आंखें करते हुए बोला हैं सच्ची मोहन भैया जैसा अंशुल के गाल पर चुम्बल लेकर अनु ने उसे सीने से लगा लिया और कहा न रे मोहसिन जैसा अभी आप सुन रहे थे समाज को आईना दिखाती हुई मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई कहानी किराएदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कल मिलेंगे फिर किसी नई और उम्दा कहानी के साथ आपका समय शुभ हो